नमस्कार दोस्तों, आदाब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी पुरानी शलवार है तो उसको हम प्लाजो कैसे बनाएं। ठीक है, पुरानी शलवार फेंकने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हम पुरानी शलवार से प्लाजो बनाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई भी आप अपनी कमेंट्स के द्वारा हमसे फिटिंग की कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई डिज़ाइनिंग की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम पुरानी सिली हुई शलवार से प्लाजो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर पुरानी शलवार ली है मैंने। आपके घर में कोई भी पुरानी शलवार हो, आप उसमें ट्राउजर भी बना सकते हो और प्लाजो भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस शलवार को हम उधेड़ ले रहे हैं, फिर इसको प्रेस से सफा करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं इसकी कटिंग किस प्रकार होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने शलवार को उधेड़ लिया है, उधेड़ने के बाद इस पर कर ली है प्रेस, यानी कि बिल्कुल साफ कर लिया है। और ये है हमारा बेल्ट। ठीक है, ये हमने अपना बेल्ट निकाल लिया इसमें से। अब दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं अपने इसका नाप। इसकी लेंथ है वो 35 इंच है, कमर है इसकी 30 इंच, हिप है 32 इंच और थाई है 22 इंच और बॉटम भी है इसका 22 इंच। ठीक है, तो इसको रख देते हैं हम एक तरफ। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इस शलवार को हम सबसे पहले कर लेंगे, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है ना मोरी वाला, इसको कर लेंगे ऊपर। इसकी जो बॉटम है नीचे का, वो हम कर देंगे कटिंग। यहाँ से इसकी मोरी है तो इसे हम पहले कटिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि ये मोरी उधेड़ने में काफ़ी टाइम लेगी, तो इसको हम यहाँ से काट लेते हैं इस तरीके से। अब मोरी काटने के बाद, अब जो हमारा बेल्ट है इसका, वो बेल्ट लगाएंगे हम ऊपर की साइड में इस तरीके से। इसके जो भी हिस्से आगे पीछे है ना, इसको हम पहले कटिंग करके बिल्कुल एक सा कर लेंगे इस तरह, और इसके ऊपर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए जितना हम सिलाई में लेंगे इसके ऊपर चढ़ा देंगे के ऊपर। अब यहां पर हम देखो आधा इंच का लगाएंगे सिलाई मार्जिन का निशान, और इसके अंदर नेफे में डालेंगे हम जोड़ इस तरीके से। अब हमें यहां पर लंबाई नापना है। ठीक है, लंबाई है इसकी 35 इंच, तो यहां से नापेंगे इस तरीके से 35 इंच, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन जाएगा। ठीक है, वो हम अलग से जोड़ लगाएंगे। अब यहां पर 35 इंच आ रहा है ये। ठीक है, तो यहां पर इतना कम पड़ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो लेस लगाएंगे या इसमें पट्टी लगा देंगे। ठीक है, तो हमने 35 इंच पे यहां निशान लगा दिया है। उसके बाद इसकी हिप है वो है यहां पर 32 इंच। ठीक है, 32, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 32 इंच का 4 वाक करेंगे, एक चौथाई निशान हुआ 8 इंच पर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 3 इंच हम और लेंगे ये यहां पर, तो इसका यहां पर हो गया ये आसन। ठीक है, यानी क्रोच एरिया। ठीक है, तो यहां पर हमने 11 इंच पर निशान लगा दिया है और इसको कर लेंगे बिल्कुल सीधा। अब सीधा करने के बाद दोस्तों, इसकी जो हिप है वो है 32 यानी 32 इंच, इसका करेंगे 4 वाक, हो गया 8 इंच है, तो मैं यहां पर ले लूंगा 2.25 इंच आ रहा है, तो 2.25 इंच हम यहां पर ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पर लगाएंगे निशान इस प्रकार। अब यहां निशान लगाने के बाद, अब इसमें हम 2 इंच ऐड और कर लेंगे। अब यहां पर थाई है इसकी 22 इंच, आधा इंच का जाएगा मार्जिन, तो यहां पर हम लेंगे 23 इंच। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर भी हम 11 × 22 = 23, 11.5 पे यहां निशान लगाएंगे, बाकी सिलाई मार्जिन लेंगे। और ये स्केल फंटी, आप बिल्कुल सीधी स्केल भी ले सकते हैं, और इस तरीके से लगा देंगे निशान इस प्रकार, और यहां दे देंगे गोलाई। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं कटिंग। तो हमने यहां पर इसको कटिंग कर लिया, और कटिंग करने के बाद अब इसका हम नीचे का हिस्सा बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये स्केल है तो इससे कर सकते हैं, वरना आप सीधी स्केल से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस तरीके से। ठीक है, और इसको कर देंगे कटिंग। अब दोस्तों, इसकी हम लेंथ नाप के आपको दिखाते हैं कितनी है। ठीक है, हमें लेंथ चाहिए 35 यानी 35 इंच, तो यहां से इस तरीके से रखेंगे और 35 इंच हमारी देखो ये आ रही है। ठीक है, इस जगह। अब इसके नीचे हम या तो लेस लगाएंगे, या हमारे पास कपड़ा काफी बचा हुआ है देख सकते हैं आप, या इसके नीचे हम पट्टी लगा देंगे। तो हम मशीन पर चल के सबसे पहले इसको जो बेल्ट वाला जोड़ है इस पर हम सिलाई लगा के, और यहाँ पर सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखिए
ये नेफे के जोड़ भी लगा दिए हैं, ठीक है, और ये बेल्ट भी इसमें अटैच कर लिया है, जो बेल्ट वाला कपड़ा था लंबाई के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है डबल, और इस जगह सिलाई लगाना है, ठीक है। दोनों हम आसन के एरियो पर सिलाई लगा लेंगे और इसको बंद कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने आसन भी यहाँ पर बंद कर लिया, यानी जोड़ दिया है सिलाई लगा के, ठीक है। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर ये पैंचे जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लगाना है पट्टी करीब 4 इंच चौड़ी, ठीक है। हमें 5 इंच की पट्टी कटिंग करना है, 1 इंच का चला जाएगा उसमें मार्जिन। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर इस तरह पट्टी रख के और लगा देंगे सिलाई। यहाँ सिलाई लगा दी, एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर देंगे, यहाँ पर लगाएंगे नाखून। आप चाहें तो यहाँ प्रेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम नाखून लगा लेंगे, ये इसको कर देंगे कट। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, सीधी तरफ आपको पलटना है, ठीक है, चीज़ का ध्यान रखें, उल्टी तरफ नहीं, सीधी तरफ पलटेंगे ना तो फिनिशिंग आ जाएगी थोड़ी। और वैसे आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, मैं इस पर लेस लगाऊँगा। यहाँ पर देखो, हमने ये लगा दी है पट्टी, ठीक है, एक पैंचे में, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर लगा दी है। अब आप क्या करेंगे ना, इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे, और इसी तरह पट्टी हम अपने दूसरे वाले पैंचे में यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो पहले हमने एक पैंचा आपको कंप्लीट करके बता देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे लेस, शलवार में काफ़ी गेयर होता है, आप चाहें तो काफ़ी इसमें जॉइंट लगा के डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, एक से एक बेहतरीन भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, बीच में लेस फांस के भी। यहाँ पर देखो ये लग गई है। अब यहाँ पर हम इसको पहले आसन जॉइंट करेंगे, ये हमारा आसन हो गया, यहाँ पर जॉइंट कर दिया। अब यहाँ से पैंचा जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने यहाँ पर पैंचा बंद कर दिया है। इसी प्रकार हमें अपने दूसरे पैंचे को बंद करना है। तो दोस्तों हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा रह गया है लास्टिक, ठीक है, यहाँ पर लास्टिक डाल देंगे हम, और लास्टिक डालने के बाद यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही हो जाएगा कंप्लीट। हमने यहाँ पर लगा ली है लेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लंबाई, कि लंबाई इसकी कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम नापेंगे इसको, और यहाँ पर देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 35 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई भी हो चुकी है, यहाँ पर हमारा 22 की जगह 23 हमने इसका बॉटम भी कर दिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसका बॉटम और भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।